बिरला चिल्ड्रन एकेडमी खरखोदा में राष्ट्रीय खेल जंप रोप का नमूना पेश करते हुए प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने उपस्थित बिरला स्कूल संचालक कुलदीप पहलवान, अध्यापकगण एवं बच्चों के सामने स्वास्थ्य के लिए उत्तम कसौटी पेश की है। खिलाड़ियों के हैरतअंगेज कारनामे देखकर जहां बच्चों को अचरज हो रहा था, वहीं अध्यापकों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। जंप रोप संघ के हरियाणा प्रदेश महासचिव वीर सिंह आर्य ने बताया कि जल्द ही एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं बिरला चिल्ड्रन एकेडमी के चेयरमैन कुलदीप दहिया ने बच्चों को खेल में बेहतर प्रदर्शन करने पर बधाई दी और जंप रोप गेम को स्वास्थ्य के लिए बेहतर खेल बताया। मैं वीर सिंह आर्य, हरियाणा जंप रोप संघ महासचिव, आज बिरला चिल्ड्रन एकेडमी में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का निर्णय लिया गया, जिसमें पूरे जिला सोनीपत से 15-16 स्कूल पार्टिसिपेशन करेंगे, जिसमें 200 से 250 के खिलाड़ियों के आसपास इसमें बच्चों का हिस्सा रहेगा। और जो कि यहाँ पर जिस बच्चे का गोल्ड और सिल्वर मेडल आएगा, वो बच्चा राज्य स्तरीय की प्रतियोगिता जो कि गोहाना में ईश्वर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित होगी, और वहाँ से जो बच्चा गोल्ड मेडल जिस बच्चे ने जीतेगा, वो नेशनल लेवल की प्रतियोगिता जो कि गुवाहाटी में आयोजित होगी, उसमें हिस्सा लेगा। और मैं सभी स्कूल के पदाधिकारी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जंप रोप की प्रतियोगिता स्कूल में करवाने का निर्णय लिया। मैं हरिओम कौशिक जी का पुनः धन्यवाद करूँगा और प्रिंसिपल मैम का भी बहुत बहुत और डायरेक्टर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इस प्रतियोगिता को थोड़ा अच्छा सहयोग करें और एक सक्सेसफुल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये रोप क्लाइंबिंग का जो गेम है, ये वर्ल्ड लेवल पे गेम है और अब ये वर्ल्ड स्कूल पे में भी आया है अभी कुछ दिन पहले ही। तो इसी विषय में यहाँ हमारे फेडरेशन के लोग आए थे, रोप क्लाइंबिंग जो फेडरेशन है, इन्हीं के विषय में आज ये बच्चों को मोटिवेट किया है और इन्हीं का एक डेमो था आज। और ये फेडरेशन चाहती है कि भाई पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमारे स्कूल के बच्चों से इसका प्रोत्साहन हो और एक फिजिकल के लिए फिट है हर आदमी के, फैट आजकल जो हार्ट अटैक की जो समस्याएँ रही बच्चों में ना हो आगे, इसीलिए इस फेडरेशन ने ये जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें पूरा सहयोग इनकी तरफ से, हम भी करेंगे सहयोग और फेडरेशन भी पूरा सहयोग कर रही है। 21 तारीख को हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जंप रोपिंग का जो रोप का जो गेम है उसकी टूर्नामेंट हमारे यहाँ है और इसके बाद फिर स्टेट लेवल के बाद ही वर्ल्ड लेवल पे जो टीम जाएगी, स्टार्टिंग से यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम 21 तारीख से। इसी विषय में आज इनकी फेडरेशन के सदस्य आए थे और हमारे स्कूल के बच्चों को इन्होंने जो डेमो दिया है, सभी बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया है, सभी टीचर स्टाफ को भी अच्छा लगा ये और एक बहुत अच्छा गेम है। इससे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर होगा और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा गेम है, क्योंकि कोई भी गेम जो होता है वो जिससे टूर्नामेंट से बच्चों की हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। रोप से वैसे भी घर में करना चाहिए सब बड़े बूढ़ों ने भी, क्योंकि उससे हार्ट अटैक वगैरह के भी चांस कम होते हैं और बच्चों की जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जो फैटी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये गेम मुझे लगा। और इसका प्रोत्साहन जो फेडरेशन के लोग आए हुए हैं, मैं इनका बहुत दिल की गहराई से मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं इस टूर्नामेंट के, इस गेम के लिए भी बड़ी हमारे लिए शुभकामना है कि ये सभी बच्चों में और सभी पेरेंट्स में, सभी उसमें जितना भी पॉपुलर होगा, इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा समाज के लिए भी और देश के लिए भी। जी, आपका नाम सर? मैं कुलदीप सिंह, बिरला स्कूल चिल्ड्रन एकेडमी का चेयरमैन।